The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is arthritis? Osteoarthritis, one of the most important, one of the most commonest type of arthritis in the world. और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट डिसऑर्डर है, जॉइंट प्रॉब्लम है. आपके बोन्स जहां जुड़ते हैं वहां पर एक जॉइंट फॉर्म होता है एंड जॉइंट की प्रॉब्लम है. और ये वैसे तो आर्थराइटिस अपने आप में बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जो लिटरली सबको होगा, आपको भी मुझे भी. इन्फेक्शन नहीं है ये एजिंग प्रोसेस है, ये वेयर एंड टेयर है, ये उसकी लाइफ खत्म हो रही है आपके घुटनों की, आपके जॉइंट्स की. सो कितनी लाइफ होती है डॉक्टर साहब, कितनी लाइफ होती है घुटनों की, कितनी लाइफ होती है आपके. लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब छल्लों की, हार्ट में लगाए छल्लों की लाइफ बताइए. लोग पूछते हैं घुटनों में लगाए और आर्टिफिशियल घुटनों की लाइफ बताइए. हम पूछते हैं असली जो आपके भगवान ने घुटने दिए क्या आपको उसकी लाइफ पता है. हम बताएंगे आपको उसकी लाइफ, मगर एक सेकेंड जरा ये लगा लें हम. कितनी होती है घुटने पे घुटनों की लाइफ, कार्टिलेज की लाइफ. देखिए क्या कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, समझने के लिए कुछ बेसिक समझना हो. कार्टिलेज एक क्या चीज है, एक फॉर्म रबरी टिश्यू है, रबर जैसा टिश्यू है जो कि आपके हड्डियों के ऊपर कुशन जैसा बना के रहता है ताकि जॉइंट वो है वो हड्डियां एक दूसरे से ना रगड़े. सो कार्टिलेज इज दैट, वो अलाउ करता है बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने का, जुइंग 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 ग्लाइड करना अलाउ करता है. और अगर कार्टिलेज टूट गया, कार्टिलेज घस गया, चाहे फट गया चाहे टूट गया, तो हड्डी हड्डी से रब करेगी, रब यानी घर्षण होगी, घर्षण से आपको ऐसा होगा, ऐसा दर्द मां कसम उठ नहीं पाओगे, सीरियसली उठ नहीं पाओगे, ऐसा दर्द होगा. राइट, सो स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, स्टिफनेस होगा, जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह से शुरू होता है, यह कारण होता है कार्टिलेज घस जाना. जैसे जैसे ये खराब होता जाता है उसके ऊपर बोन्स उल्टी सीधी तरीके से ग्रो होने लगती है. हड्डी क्या करती है यार, लग रहा है हड्डी बना, कुछ ताकत नहीं है, ये कुछ करो, तो वहाँ बोन्स पर एक्स्ट्रा बोन जॉइंट के आसपास बननी शुरू हो जाती है इन एन अटेम्प्ट कि शायद दर्द रुक जाए, लेकिन नहीं रुकता. लिगामेंट मसल आपके जो जॉइंट के आसपास के वो वीक होते रहते हैं, वीक यानी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनको फील हो रहा है जैसे वो हिल रहे हैं दर्द हो रहा है, जैसे वो हिला रहे हैं दर्द हो रहा है, ये भगवान ये क्या हो रहा है. सो ये बहुत डेंजरस और बहुत खतरनाक और बहुत ही डिसेबलिंग बीमारी है. आपको ये कब होगी, मुझे कब होगी, 55 साल की उम्र से शुरू होने लगती है ये. 55 के उम्र बिफोर एज ऑफ 55 दोनों केस हो भी सकती है, बिफोर भी हो सकती है, और बिफोर एज ऑफ 55 मैन और वुमेन, आदमी औरत दोनों में इक्वल है इसका इंसिडेंस, इसका होना. और 55 के बाद फीमेल के अंदर भाई साहब डबल कॉमन. क्यों, 55 के बाद फीमेल के मेंसेस खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, मीनोपॉज, ईस्ट्रोजन ठप, बिना ईस्ट्रोजन के घापा घप, हड्डी खराब, कार्टिलेज खराब, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, खतरनाक बीमारी. फीमेल्स खतरनाक, सावधान. ठीक, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, किसको होगा ज्यादा, किसको होगा जल्दी, किसको होगा, भैया होना तो सबको है, किसको जल्दी किसको बाद में. ऑस्टियोआर्थराइटिस टेंड टू रन इन फैमिलीज, तो आपके फैमिली में हो रहा है आपको भी होगा. ओवरवेट अगर आप हैं तो ऑलरेडी आप घुटने की ऐसी तैसी कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स के ऊपर ओवर स्ट्रेस, ओवर भार दे रहे हैं, तो आपके हिप्स, आपकी नी, आपके एंकल, आपके फुट, इन सारे जॉइंट्स को एक्स्ट्रा वेट के वजह से ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, और जो 10 साल चलने 10 साल पहले खराब हो जाएंगे. फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट इंजरी हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा. राइट, कार्टिलेज पे इंजरी हुआ, लिगामेंट पे इंजरी हुई, बोन पे इंजरी हुई, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सच प्रॉब्लम्स. कोई काम ऐसा कर रहे हो, जॉब ही ऐसी है जिसमें के आपको नीलिंग करनी पड़ रही है, नील डाउन होना पड़ रहा है, घुटने पे आना पड़ रहा है, या स्क्वाटिंग करनी पड़ रही है एक घंटे से ज़्यादा, स्क्वाट करना भी नहीं ठीक है,
इसमें या फिर बहुत ज़्यादा भार उठाना पड़ रहा है, लिफ्टिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, वॉकिंग बहुत ज़्यादा ही है अति मात्रा में, तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग दैट जॉइंट मोर, सो ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स. इसका मतलब ये नहीं यूज ही ना करें, घर में बैठे रहे मैं तो चलता ही नहीं हूँ, ना 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 ना. एक मिनिमम यूज जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो तो करना ही है, ठीक है ना. प्लेइंग स्पोर्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज, जो खासकर स्पोर्ट्स जो डायरेक्ट इंजरी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस डायरेक्ट इम्पैक्ट लग सकता है जॉइंट पे, जैसे कि फुटबॉल, जैसे कि ट्विस्टिंग हो गई बास्केटबॉल में, सॉकर में, राइट, थ्रोइंग वाले जो रिस्क वाले थ्रोइंग वाले स्पोर्ट्स में भी ट्विस्टिंग हो जाती है कई बार. सो ऐसे स्पोर्ट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क बढ़ जाते हैं और इनको स्पेशल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कार्टिलेज को बचाने के लिए. जी हाँ, सो ऐसे कुछ मेडिकल बीमारियां भी हैं जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे कि हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाती है जॉइंट के अंदर ही, वहां पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है. कोई ऐसी डिसऑर्डर जो कि आपके ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दे आपके बोन को जाने वाली, सोचो क्या होगा, बोन को जीरो ब्लड सप्लाई, बोन की ग्रोथ खत्म, बोन की हेल्थ खत्म, बोन तो मरनी शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस, डेड टिश्यू हो जाएगा वहां पे, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, तो दैट इज अ डिजीज, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ज्यादातर फीमोरल हेड का होता है. और अलग अलग प्रकार की आर्थराइटिस भी है, जैसे हमने कहा गाउट, यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से आर्थराइटिस हो सकती है, सूडो गाउट की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ऑस्टियाइट, तो कई सारी बीमारियां. चलो आर्थराइटिस हो गया, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम, आर्थराइटिस हो गया जिसको भी होगा, मिडिल एज से शुरू होने के बाद आगे तक हो सकता है, 70 की उम्र तक कभी भी शुरुआत हो सकती है. पेन एंड स्टिफनेस विल बी द मोस्ट कॉमन सिम्टम, पेन, घुटने में दर्द, घुटनों में या कोई भी जॉइंट में दर्द और स्टिफनेस फर्स्ट सिम्टम, ज़्यादातर एक्सरसाइज के बाद होगा, उसके बाद जैसे ही कोई वजन डाला, प्रेशर डाला, चलने फिरने पे होना शुरू हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते बैठे बैठे भी होने लग जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, जॉइंट स्टिफ हो सकते हैं, मूव करने पे मुश्किल हो सकती है, और रबिंग ग्रीसिंग, ग्र 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 रबिंग ग्रीसिंग साउंड भी, क्रैकलिंग साउंड भी आ सकता है. नॉर्मली घुटने से पक पक टक टक का साउंड आना नॉर्मल होता है, दैट इज नॉट, अगर वो साउंड के साथ पेन हो रहा है, आर्थराइटिस, जीरो पेन, नो टेंशन. मॉर्निंग स्टिफनेस भी हो सकती है, यानी सुबह सुबह सोने के बाद उठा तो जॉइंट हिल ही नहीं रहे, यार ये तो क्या हो गया, ये तो हिल ही नहीं रहा, अरे बाप रे, फिर 30 मिनट्स के बाद थोड़ी देर बाद, अरे अब हिलने लगा, हाँ अब हिलने लगा. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल एज रूमेटॉइड, रूमेटॉइड में ज़्यादा होता है, यंग एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, याद रखिएगा. कोई पर्सन आएगा 30 साल की उम्र में मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, नहीं, वेयर एंड टेयर वाला इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल कोई एडिशनल बीमारी या कोई और कारण, इन्फेक्शन या कोई और चीज उसके साथ सुपर इम्पोज हो, राइट. और डे के अंदर पेन वर्स हो सकता है, जब भी आप एक्टिव होंगे और जब भी आप बैठे होंगे आपको अच्छा लगेगा, दैट आर द साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. और कुछ पीपल को कोई भी सिम्टम नहीं होंगे लेकिन एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखेगा, ऐसा भी होता है, कई लोगों की नसें खराब हो जाती हैं, देन द नर्व विच इज गोइंग टू दैट दैट जॉइंट, अगर वो खराब हो गई, भाई साहब जॉइंट खराब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा. सो दिस इज नॉट इट कि भाई हाँ, अगर सूजन भी आ रही है, स्टिफनेस भी हो रही है, पेन नहीं भी हो रहा, गो एंड गेट एक्सरेज एंड चेस्ट टेस्टेड, ओके. सो क्या टेस्ट होगा, जॉइंट का मूवमेंट करके देखा जाएगा, उसमें साउंड आ रही है, क्रिपिटिशंस जिसे कहते हैं, स्वेलिंग तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन देखी जाएगी कि पूरा का पूरा रेंज ऑफ मोशन है, नहीं है, कम तो नहीं हो गया, टेंडरनेस देखी जाएगी, जॉइंट दबाने से टेंडरनेस तो नहीं हो रहा, और मूवमेंट में पेनफुल, नॉर्मल मूवमेंट में ही पेन तो नहीं हो रहा. एक्सरे करना होगा, एक्सरे में जॉइंट के जो स्पेस होती है, नॉर्मली जॉइंट टक चिपक नहीं होते, स्पेस होती है, जॉइंट स्पेस लॉस तो नहीं होगी, कोई ऐसा टेढ़ा तो नहीं होगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा, कोई एकदम ऐसा है, कोई क्या, जॉइंट स्पेस लॉस, वेयर एंड टेयर देखा जाएगा जॉइंट के एंड में, बोन के एंड में कोई बोन ही ऐसी टेढ़ी फाड़ी है कुछ है, बोन स्पर देखा जाएगा, कोई बोन में ऐसा एक सींग निकला हुआ है छोटा सा, बोन स्पर जैसा, दैट इज ऑल्सो सीन. सो एक्सरेज डायग्नोस किए जाते हैं इससे. ट्रीटमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन नॉट बी क्योर्ड, कैन नॉट बी क्योर, वाई, बिकॉज इट्स अ नेचुरल वेयर एंड टेयर, ये नेचुरल चीज़ है, सबको होना है, आपको समय के साथ वर्स होना ही होना, आप इसे रोक सकते हैं, इसे थोड़ा सा और चला सकते हैं घुटनों को. सो और नहीं, जब एक लेवल आ गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत आगे बढ़ गया, तो फिर आखिरी ऑपरेशन ही इलाज है, सर्जरी, व्हाटएवर जॉइंट रिप्लेस करना होगा, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, व्हाटएवर इट इज,
मेडिसिंस कौन सी काम आती हैं, पेन किलर्स ओवर द काउंटर, चाहे वो एसिटामिनोफिन पैरासिटामोल हो या कोई नॉन इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो, राइट, कोई भी नेक्सडॉम हो, कॉम्बी फ्लेम हो, इकोस्प्रिन हो, इकोस्प्रिन नहीं लेना याद रखो, राइट, और बिकॉज ये ब्लड थिनर भी है, राइट. उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैरासीटामोल ले रहे हो 2 से 3 ग्राम से ऊपर नहीं ले रहा पूरे दिन में डिवाइडेड डोसेज में, राइट. और अगर आपको लिवर डिजीज है तो कतई इसको अपने आप से ना लें, राइट. एज अ सेट बाकी इन सबसे गैस्ट्राइटिस स्टमक अल्सर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं. देन देर इज समथिंग एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, डुलॉक्सिटीन. डुलॉक्सिटीन जो है ये क्रोनिक पेन से भी बचाता है. क्रोनिक पेन जब लंबे समय आपको दर्द होता है ना, साल भर हो गया, 6 महीने हो गए दर्द से परेशान हो, सो यू बिकम डिप्रेस्ड. डिप्रेस इन द सेंस नॉट लाइक मेंटली बट फिजिकली योर ब्रेन बिकम्स स्टिमुलेटेड कि भाई आप तो पेन होना ही है यार, कोई फायदा नहीं है जी के चल के. सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग विल बी डिक्रीज बाय दिस डुलॉक्सिटीन. तो डुलॉक्सिटीन भी अच्छा काम करती है, 3-4 महीने के लिए दी जाती है. उसके अलावा ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जैसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम कैप्सिनेज स्किन क्रीम दी जाती है जो कैप्साइसिंस की आती है. अब तो और दूसरी नई चीज़ें आ गई है, यूनिवेस्टिन, मैकवेस्टिन, कोलेजिन टाइप 2, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं आपके कोलेजिन, आपके जो कार्टिलेज है उसको वापस थोड़ा बहुत ग्रो करने में या और ख़राब होने से बचाने में. तो दैट्स वेयर इट इज़ देयर. ग्रीस ब्रीस ख़त्म, वो गैप ख़त्म होता है तो हम बोलते हैं ग्रीस ख़त्म होगी, बट अल्टीमेटली दीज आर द बेसिक थिंग्स. कार्टिलेज घस रहा है और कुछ नहीं, ग्रीस भी खत्म होती है. ग्रीस इज द बेसिक साइनोवियल फ्लूइड विच इज इनसाइड, दैट इज ऑल्सो कम होता है. लाइफ स्टाइल चेंजेस करने अति आवश्यक है आपको, थोड़ा एक्टिव रहना होगा, भागा दौड़ी नहीं तो चलना फिरना तो करना होगा. सीधे रास्ते पे चलेंगे, सीढ़ियाँ अवॉइड करेंगे, चौंकड़ी मार के यानी कि पालकी मार के नहीं बैठेंगे. मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट मेंटेन करके रखेंगे, एक्सरसाइज रूटीन. पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. वाटर एक्सरसाइजेज आर वेरी हेल्पफुल, स्विमिंग एंड वाटर एक्सरसाइजेज, राइट. उसके अलावा आप जॉइंट पे हीट या कोल्ड लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्टर क्या बोलते हैं. हेल्दी फूड खाना है, बैलेंस डाइट 100 बार बताइए आपको, इनफ रेस्ट चाहिए 7 से 9 घंटे का. लूजिंग वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ओवरवेट हैं, और जॉइंट्स को इंजरी से बचाना. भाई ऑलरेडी जॉइंट्स की उम्र हो गई है, उसको चोट लग जाएगी तो कहाँ जाओगे, राइट. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. फिजिकल थेरेपी इज ऑल्सो वेरी गुड. फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है आगे चलाने में. 6 से 8 हफ्ते में आपको बेहतर लगना चल जाएगा, लेकिन अगर 6 से 8 हफ्ते में आपको बेहतर नहीं लग रहा फिजियोथेरेपी से तो फिजियोथेरेपी काम ना करने वाली भाई साहब, कुछ और ट्राई करो. ब्रेसेस लगा सकते हैं, ब्रेसेस जिन्हें आपके वीक हो गए जॉइंट तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसमें ऊपर से पट्टियां होती हैं, ब्रेसेस होती हैं, ब्रेस डॉक्टर के कहने पर ही यूज़ करेंगे. अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स में कुछ चाइनीज ट्रीटमेंट जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा, टाई ची, ये भी यूज़ किए जाते हैं. और कुछ और नेचुरल केमिकल जैसे एस एडिनोसिल मिथायोनिन, ऐसी चीज़ें मैन मेड नेचुरल केमिकल है वो भी यूज़ की जाती है जॉइंट प्रोसेस को, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए. उसके अलावा ऑपरेशन, भाई साहब ना हुआ कुछ तो ऑपरेशन क्या है. सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नीड्स ऑपरेशन, डैमेज रिपेयर, उसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है. अगर कोई कार्टिलेज टोन है, कोई छिलका निकला हुआ, तो उसको सिंपल दूरबीन से जाके ठीक किया जा सकता है. अलाइनमेंट ख़राब है तो बोन का अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है ऑस्टियोटॉमी करके. और अगर मान लीजिए बोन्स, अगर मान लो स्पाइन है, स्पाइन का केस है ऐसा इतना ख़राब है तो बोन्स को फ्यूज़ कर दिया जाता है, फ्यूज़ यानी जोड़ दिया जाता है कि वहाँ पे घर्षण ही ना हो, तो उसको भी आर्थ्रोडेसिस बोलते हैं, वो पीठ में होता है स्पाइन में. और अल्टीमेटली घुटनों में, शोल्डर्स में, हिप में, एंकल में, एल्बो में रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है. जी हाँ, इसको टोटल या पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है डैमेज जॉइंट का, आर्टिफिशियल जॉइंट के, प्रोस्थेटिक जॉइंट के साथ. घुटने में भी होता है, हिप जॉइंट में भी होता है, शोल्डर में भी होता है, नी में भी होता है, एंकल और एल्बो में भी होता है, याद रखिएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जानने वाली. प्रिवेंशन याद रखिए, हेल्दी जिए, प्रिवेंशन होगा. सॉरी.